नमस्कार, मैं अफरोज अली। आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़ और आपसे हमारा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के बहेड़ी क्षेत्र की, जहां पर केसर मिल चीनी फैक्ट्री के आज शस्त्र खत्म होने पर मजदूरों को उनको उनके घर छोड़ने के लिए दिए गए निर्देश। आइए दिखाते हैं आपको ये कि क्या निर्देश दिए गए उनको। तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक साथ रहेंगे, रास्ते में ढाबे ठेले तमाम मिलेंगे, क्योंकि बहुत सी जगह होटल वोटल चालू हो गए हैं। लेकिन वैसे तो शायद आप लोगों को आवश्यकता न पड़े, लेकिन फिर भी प्रयास ये रखिएगा कि रास्ते की किसी चीज को खाए ना, क्योंकि अभी दो कारण है। तो रास्ते में आपको ये नहीं मालूम कि कौन कोरोना पीड़ित है, जिसने उसे बनाया है या क्या है। दूसरा, बहुत दिनों से चूंकि सप्लाई चेन बंद थी, होटल बंद थे, ढाबे बंद थे, तो जो सामान है उसकी क्वालिटी के बारे में भी आप ज्यादा नहीं कह सकते। हम लोगों ने खाना आपका, दिलीप ने व्यक्तिगत रुचि लेकर गेस्ट हाउस पर खाना मनवाया। उसका कारण ये था कि खाना ठीक बनना चाहिए, क्योंकि मालूम नहीं है ना आजकल, क्योंकि ज्यादा जब टर्नओवर नहीं होता है तो फिर दिक्कत हो जाती है और चीजें खराब होने वाली मिल जाती है। तो रास्ते में भी खाने को अवॉइड करें। हाँ, अगर चाय का कहीं मन हो तो कहीं पे कुल्लों में जा सकते हैं, उसके लिए कहीं रुकिए, जहाँ पे भी आप लोगों की बस रुकती है वहाँ कुल्लों में चाय मिलती है, तो उसके लिए आप रुके और वो आप चाय वगैरह पीने। बाकी कोशिश करें कि बाहर का खाना न खाएं। ये बात अभी नहीं है, ये बात आपको अगले 3 महीने 4 महीने निभानी पड़ेगी। आप सब अपने जब घर पहुंच जाएं तो आप अपने घर वालों को भी बताएं, आप स्वयं भी देखें। सबसे अच्छी चीज है अगोचा इस्तेमाल करना। आप तो गांव के लोग हैं तो आपको पता है अगोचा सबके पास होता है। अगोचे का इस्तेमाल करिए, वो धूप से भी बचत करता है, मुंह भी आपका छुपा रहता है, और उससे अच्छा कोई मास्क नहीं है, उसका कोई चक्कर नहीं है, उसे धो लीजिए। बाकी मास्क अगर आपके पास है तो मास्क को धो लेंगे, बहुत अच्छी बात है। अन्यथा आप अगोचे का इस्तेमाल करिए, पानी पीते रहिए, लोगों से गले ना मिले, लोगों से राम जोहार दूर से करें वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और बस इस दरमियान में कोई रिश्तेदारी नातेदारी में जाने की कोशिश ना करें, कम से कम जाए। एक वैसे ये चीज अच्छी नहीं लगती, लेकिन कहना मैं आपसे इसलिए, मेरा ये फर्ज है। बरेली में कल एक सज्जन की मृत्यु हुई 20 तारीख को, एक अशोक जी थे, 70 वर्ष के थे, उन्हें किडनी की प्रॉब्लम थी, उनकी मृत्यु हो गई, 3-4 अस्पताल में उनका इलाज चला। जब ऐसे पेशेंट आज की तारीख में आते हैं तो अस्पताल में उनका कोरोना टेस्ट भी किया जाता है। 20 तारीख को जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उसी दिन उनका सैंपल लिया गया था, उस सैंपल की रिपोर्ट कल आई, कल सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। अब आप समझिए, उनके सारे परिजन आइसोलेट कर दिए गए हैं, सारे परिवारजनों का दोबारा कोरोना टेस्ट हो रहा है, जितने लोग उनकी अंत्येष्टि में शामिल हुए थे वो सब परेशान हो गए हैं, सबका कोरोना टेस्ट हो रहा है। जिन अस्पतालों में वह एडमिट रहे थे वहां का स्टाफ सब क्वारंटीन करा जाएगा, उसके टेस्ट होंगे, पता नहीं कौन संक्रमित हुआ कौन संक्रमित नहीं हुआ। तो देखिए, शादी ब्याह मृत्यु जन्म ये सब चीजें लगी रहेंगी, हम सब समाज के एक हिस्से हैं, तो हम उसमें भागीदारी